यही समय है जब बात करते हैं बच्चों का, मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं, तो बाबा का तो फर्ज है सब बच्चों को कहना बच्चे दे अभिमानी बाबा, सब कहते हैं बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बात है नहीं है। जनवरी मास हमारे तपस्या मास होता ही है और इस बार विशेष तपस्या हमें करना ही है। तो ऐसी तपस्या में सबसे पहले चाहिए लगन। तो वह लगन ब्रह्मा बाबा में और दादियों में कैसी रही, आइए सुनते हैं दादी जानकी जी के अनुभव से। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने जब पहले पहले हमारी रतनमयन दादी और सब दादियाँ जो है ना, चंद्रमयन दादी, शांतामणि दादी, सब मेरे से 1.5 साल पहले आए थे। हम 1.5 साल पौना 2 साल थोड़ा अच्छा है हिसाब किताब चुतू करने में, परंतु लगन बहुत थी। ये सब मेरी सखियाँ बहनें चली गई, मैं रह गई, ये चली गई मैं रह गई, चली गई मेरे घर। उस दिन रात कौन सी घड़ी आए जो मैं भी जंप लगा के बाबा के पास पहुंच जाऊं। तो ये जो है, फिर जब हम आई तो बाबा ने भी एक्स्ट्रा प्यार तो दिया, क्यों तरफती हुई आई, पर देखा कर क्या रही है, देखता रहा जानता है क्या पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा को बताया, बाबा ने सिर्फ मीठे मीठे बाबा की बात सुन लो, मेरे को ऐसे ऐसे हाथ लगाया। तो सब कहते इसका मुंह बहुत बड़ा है, मोटी छोटी लड़की है। बाबा को तो पसंद आ गई। बाबा ने कहा तुम्हारा जितना सिर बड़ा है ना, इसको ठीक रख, तब से ठीक रखती हूं। ऐसा हाथ लगाया, अभी तक भी उसका हाथ ऐसे है। बड़े प्यारे से ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे किया। वो प्यार आज दिन तक रिटर्न देने के लिए सारा दिन यही धुन है, बाबा को रिटर्न किया दो। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा क्या पुरुषार्थ करूं, कहा बच्ची मुरली 12 बारी पढ़ो। मैंने कहा 24 बार पढ़ेंगी, पर तू इन लोगों से तो आगे जाऊं ना। तो ऐसे नहीं, ईशा नहीं, परंतु पुरुषार्थ की लगन, लगन शब्द को क्लियर करती हूं। फिर क्या कहते, बेंच पर रहती, सोती नहीं थी, बेड पर जा करके सोएंगी तो 4 घंटा 8-5 घंटा नींद करेगी, पर बेंच पर ऐसे करके फिर बैठे मुरली लिखती थी, पढ़ती थी। तभी आज दिन तक मुरली ही मेरी जान की प्यारी है, जान की है, समझा। मुरली न होती तो मैं तरफते मर जाती। वो दिन रात को बत्ती बंद कर देते थे, तभी
तो हम चांदनी में जा करके मुरली पढ़ती थी या योग करती थी, ऐसे शांत जैसे बाबा को देखते, बाबा ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा, ऐसे किसको बताती, कोई न देखे। तो यज्ञ सेवा में कभी मैं नहीं समझती हूँ मेरी दादियाँ बैठी है, कभी नहीं कहा होगा ये सेवा मेरे लायक थोड़ी है, मुझे तो ये करना है। निवर बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए, बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए, रास रचाए सा तुम्हारे, रास रचाए सा तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये। तो आज हम सारा दिन चेक करें कि हमारी ब्रह्मा बाप समान लगन है, ब्रह्मा बाप समान हमारी मुरली सुनने की लगन है, ब्रह्मा बाप समान बाबा के घर में मुरली सुनने की लगन है, ब्रह्मा बाप समान बाबा की याद की लगन है, ब्रह्मा बाप समान सेवा की और ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ की लगन है। तो ये सब आज की हमारी चेकिंग रहेगी, लगन है। तो आइए पुरुषार्थ की इस गहरी लगन से ही आज का अव्यक्ति मास हम शुरू करते हैं। अब रिंकू बहन को इनवाइट कर रही हूं मैं।